सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के गांव बड़ोली में ग्रामीणों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सरकारी स्कूल के बाहर जमकर बवाल काटा, क्योंकि एक विशेष धर्म के त्योहार पर कई छात्राओं को स्कूल प्रबंध ने बुर्का पहनाकर त्योहार मनाया। तो उसके बाद जब उसके फोटो वायरल हुए तो हिंदू संगठन और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता स्कूल के बाहर पहुंचे और पूरे स्टाफ के तबादले की मांग की, और ऐसा करने वाली प्रिंसिपल के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। आपको बता दें, सोनीपत के गांव बड़ोली के ही रहने वाले हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हैं। तस्वीरें सोनीपत के गांव बड़ोली के सरकारी स्कूल से सामने आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि कैसे ग्रामीण और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता यहां पर बवाल काट रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में विशेष धर्म की पोशाक पहने कई छात्राओं की फोटो वायरल हो रही हैं और इसी पर विवाद गर्मा गया है। और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और ग्रामीण पहले तो सरकारी स्कूल के बाहर पहुंचे और बाद में जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने में कामयाब हुई। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मनीष राय और मंजीत दहिया ने आरोप लगाया कि बेटियों को जिहाद की तरफ धकेलने का काम किया जा रहा है, हिंदू धर्म पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता और अब तेलंगाना राज्य की बात कहकर यहां पर एक विशेष धर्म की तरफ छात्र छात्राओं को धकेलने का काम किया जा रहा है। जिस प्रिंसिपल ने यह काम किया है उसे बर्खास्त किया जाए और पूरे स्टाफ का तबादला किया जाए। इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। मामला ये आया कि जी बड़ोली गांव के सरकारी स्कूल में एक विधर्मी टीचर बताया जा रही है, साथ में पूरा स्टाफ इसके अंदर इन्वॉल्व है, और हमारी जो हिंदू बच्चियों को बगैर उनकी अनुमति के ना बाप माँ बाप से पूछा गया, उनको हिजाब पहना करके ईद की प्रैक्टिस करवाई गई, उनका जो मतलब परिवर्तन करवाने के लिए, हमारा जो धर्म परिवर्तन करवाने के लिए वो प्रैक्टिस यहाँ पे करवाई जा रही है। हमें जो प्रशासन से मांग करते हैं और उनके खिलाफ जो हमारी धार्मिक सौहार्द की भावना खराब की है, हमारे ऊपर जो कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर बनती है, वो कानूनी कार्रवाई भी हम लिखेंगे। जो जो उनके ऊपर हिंदू धर्म की भावना आहत करने के लिए कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करवाएंगे। साथ में जो यहाँ पूरा स्टाफ है, पूरे स्टाफ की बदली और जो भी इसमें इसके अंदर जहां भी धर्मी टीचर है या प्रिंसिपल है उसको टर्मिनेट करवाने की मांग करते हैं। तब तक यहाँ स्कूल के सामने धरना रहेगा, अगर जरूरत पड़ी तो हम पूरे सोनीपत और पूरे हरियाणा के अंदर यह जो इसके अंदर पूरा व्यवस्था करेंगे और पूरे हिंदू समस्त हिंदुओं को लेकर के यह कार्रवाई करवाएंगे। प्रशासन से अनुग्रह करते हैं, हमारे सोनीपत के जो कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता जी है उनसे हमारा आग्रह है कि इस कार्य को बारीकी से ले और इसकी कार्रवाई तुरंत तरीके से करे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कल को ये ना कहे कि हिंदू नेता और हिंदू धर्म के नेता इस तरीके के कार्यों में सम्मिलित होते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे और साथ में हमारे जो हिंदू धर्म की भावनाओं का आहत करने वाली क्रियाएं हो रही हैं इस स्कूल में हो रही हो। साथ में हमारे पास एक वीडियो छिछड़ाना गांव से, बैंसवाण गांव से आई है, वहां के स्कूल के टीचरों पर भी कार्रवाई करवाने की हम मांग करते हैं। अभी 11 तारीख को यहाँ सरकारी बड़ोली स्कूल में प्रिंसिपल मैडम ने ड्यूटी लगाई तीन टीचरों की, कि तेलंगाना में जिस प्रकार से ईद मनाई जाती है उसको यहाँ मनवा के दिखाएं। उसमें स्पष्ट है कि वर्बली बता दें या किसी को हनुमान चालीसा मैडम ने पढ़ाई आज तक, या किसी प्रकार का कोई भी हिंदू त्यौहार यहाँ इस प्रकार से मना कर दिखाया है मैडम ने। मैं निवेदन करता हूँ शीर्ष नेतृत्व से, जो भी इनके ऊपर जो भी स्टाफ बैठा है, जो भी नेतृत्व इनका बैठा है, तत्काल प्रभाव से इस मैडम को टर्मिनेट किया जाए और इस प्रकार से जो भी व्यवहार आप अब तक हरियाणा में जुलाई से चला हुआ है, जिसने भी इस प्रकार का व्यवहार किया है और हिंदू त्योहारों को नहीं मनवाते हैं तो मुस्लिम त्योहारों को हम क्यों अपनाएं? हमें अपने धर्म को सर्वोपरि लेकर चलना है, और किसी प्रकार का कोई भी व्यवहार बिगड़ता है इनके कारण उसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल मैडम की होगी। और किस टीचर, कोई और भी टीचर शामिल है इसमें? बिल्कुल, तीन टीचर और शामिल हैं और एक पुरुष टीचर शामिल है, तीन और महिला टीचर शामिल है। उनका नाम मेरे अभी जानकारी में आया नहीं, किसी ने बताया? अभी कंप्लेंट देंगे, अभी कल हमारे पास ये विषय आया था और आज हम कंप्लेंट भी देंगे। और जो प्रिंसिपल मैडम है उनको
टर्मिनेट करने के लिए हम निवेदन करते हैं। सरकारी सख्त से नहीं तो बारी कानून जो प्रक्रिया यहाँ जो बंधी हुई है वो गांव के हाथ में, सरपंच हमारे साथ है और नेता जो भी यहाँ के हमारे सभी हमारे साथ हैं और सभी ने बोला है कि ये गलत हुआ है। अगर ये जो मुस्लिम त्यौहार मनाया जा रहा है तो हिंदू त्यौहार भी बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए। एक्टिविटी की है वो एक्सीडेंटली हुई है, हमें यदि भावना जो गांव की है विद्यालय में गांव की भावना के अनुसार ही हमने काम करना चाहिए। यदि आपकी भावना इसमें कुछ आहत हुई है तो विभाग आपसे क्षमा प्रार्थी है और जिले में जहाँ भी पूरा जला है मेरे अंडर में, जहाँ भी इस तरह की जो एक्टिविटी वे भविष्य में नहीं कराई जाएंगी, लोगों की भावना के अनुसार ही सारे कार्य सारे जिले में होंगे। और जो ये घटना हुई है या आपके लिए दुर्घटना है, इसके लिए कोई एक्सीडेंट लिए कोई प्री प्लान नहीं था और मैं इसके लिए पूरे विभाग की तरफ से ये आपके आश्वस्त करता हूँ भविष्य में लोगों की भावना के अनुसार ही कार्य किया। आदर और मान सम्मान के होंगे सभी यहाँ विद्यालय के सामने पधारे हुए विभिन्न गांव से हुए लोग, मेरे गांव बड़ोली के लोग। सरकार के द्वारा दी गई जो एक एक्टिविटी थी उसके अंतर्गत एक क्रिया जो की गई जिस पर सभी ग्रामीणों का रोष है और बाहर के हमारे हिंदू समाज का रोष है, उसके संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगी कि वो एक नासमझीवश की गया एक्ट था जिस पर अगर लोगों का विरोध आता है तो मैं उसके लिए आपको भविष्य के लिए आश्वासन देती हूँ कि भविष्य में कभी भी ऐसी गतिविधि हमारे स्कूल में नहीं करवाई जाएगी और ना ही किसी बच्चे को हमने पहले किसी चीज़ को अपनाने के लिए प्रेरित किया है, ना ही उनको ऐसी शिक्षा दी गई है। आप अलग से भी बच्चों से बुलाकर भले ही पूछ सकते हैं कि हमारे स्कूल में केवल बहुत सी एक्टिविटी ड्राइंग की पेंटिंग की वही करवाई जाती है जो समय समय पर हमें समाज के अंदर। फिर भी अगर मैं तहे दिल से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर आप सभी को इस चीज़ से आपकी भावनाएं आहत हुई हैं तो आश्वासन देती हूँ कि कभी भी इस विद्यालय के प्रांगण में ऐसी गतिविधि नहीं कराई जाएगी जो जिससे किसी भी गाँववासी के हृदय